धार की विवादित ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में सर्वे का आज 65वां दिन है। लंबे इंतजार के बाद आज आई GPR मशीन विवादित इमारत में पहुंच गई। इसके साथ हैदराबाद से 4 एक्सपर्ट भी मशीन को ऑपरेट करने पहुंचे। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश पर 22 मार्च से SI द्वारा निरंतर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। आज ASI के 18 अधिकारियों के अलावा 40 मजदूर मॉन्यूमेंट में पहुंचे। आपको बता दें कि ASI को 4 जुलाई से पूर्व अपनी सर्वे रिपोर्ट उच्च न्यायालय इंदौर को सौंपना है। विवादित इमारत में ASI टीम द्वारा किए जा रहे उत्खनन को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष देखा गया। कल शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में होने वाली नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि ASI सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है। आज जुमे की नमाज अपने वक्त पर और अपने हिसाब से अदा की गई। शहर में, मुल्क में शांति और सद्भाव के लिए दुआएं की गई और आज मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर यहां पर विरोध जताया। वो विरोध इसलिए है, ये विरोध किसी धर्म किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं और ना किसी से द्वेष हिंसा और घृणा करता है मुस्लिम समाज। सिर्फ इतनी मांग थी कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया कि यहाँ पर फिजिकल एक्सिबिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आम मीडिया के जरिए हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 8 के ज़रिए और हमने खुद ने भी देखा कि यहाँ पर दक्षिणी साइड में फिजिकल एक्सिबिशन किया। आसपास जो मस्जिद है उसके आसपास की नींवों को 15-15, 17-17 फीट खोद दिया गया, जिससे इमारत को भारी क्षति पहुँचने की संभावना है। इसको लेकर हमने काली पट्टी बांधकर समाज के लोगों ने इसका विरोध जताया है और ये विरोध सिर्फ हमारा सांकेतिक विरोध है। हम ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम आई है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से सर्वे कार्य करे और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का साक्षर पालन करें। आज GPR मशीन परिसर में पहुंच गई है। इससे गर्भ में छुपे हुए कई राज खुलकर सामने आएंगे तथा ASI टीम को इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी तथा सर्वे के काम में भी काफी तेजी आएगी। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने बताया कि कल मशीनें आ गई थी और आज मशीनों द्वारा काम किया जाएगा और टीम क्योंकि कल शुक्रवार होने की वजह से 12 बजे तक ही सर्वे किया अपना काम नहीं कर पाए। हो सकता है कि मशीन द्वारा उनका ट्रेसिंग का कार्य है वो जारी करें। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। आज चूंकि कल मशीनें आ गई थी और आज मशीनों द्वारा काम किया जाएगा GPRS और टीम चूंकि कल शुक्रवार होने की वजह से 12 बजे तक उन्होंने सर्वे किया, इस वजह से मशीनों द्वारा काम नहीं कर पाए और आज हो सकता है कि मशीनों द्वारा उनका जो ट्रेसिंग का कार्य है वो जारी करें। और बाकी जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चल रहा है और उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो खुदाई चल रही है वो चली रही है और लेवलिंग के नाम पर, और अंदर की तरफ भी ब्रशिंग की है उन लोगों ने। अंदर की खुदाई पिछले 2 रोज से बंद है, बाकी जहां उनको लग रहा है उचित वो उस दायरे में जाकर अपना सर्वे कार्य कर रहे हैं। देखिए वो सभी नमाजियों का अधिकार है और दूसरे भी जनप्रतिनिधि है जो यहाँ से जुड़े हुए हैं जिनकी यहाँ आस्था है, उनके मन को रास्ता को ठेस पहुँच रही है तो उसका पुरजोर तरीके से संविधान के दायरे में रहकर विरोध करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है और उन्होंने किया भी है। और जो जो भी आपत्तियाँ हैं और जो विरोध प्रदर्शन है और जो विरोध करना था हम लोगों ने कोर्ट तक किया है, हम कोर्ट के तरीके से भी उसको कर रहे हैं और हमने जो कंटेम्प्ट लगाई है और जो चीज़ें की है अब तक उसमें सुनवाई चल रही है, उसमें किसी तरह का कोई आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है। तारीखें चल रही हैं, ASI को नोटिस भी किया है उसमें जवाब के लिए और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी है तो उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और फिलहाल अभी इसीलिए कुछ पिछले कई दिनों से आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं लिए गए हैं ताकि उनको जवाब का मौका दिया जाए। वो जवाब जब भी कोर्ट में देंगे उस पर हम बिल्कुल आप लोगों को अवगत कराएंगे और समाज को भी अवगत कराएंगे। बाकी समाज अपने स्तर पे जो कर रहा है वो उनका जो अधिकार जा रहा है नमाज का जो जगह दिन पे दिन वो कम पड़ रही है उनको, उस हिसाब से उन्होंने कल भी एक ब्लैक पट्टी अपने हाथों पर बांधकर विरोध प्रदर्शन संविधान के दायरे में रहकर किया है तो वो उचित है। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर था। आज सर्वे का 65वां दिन है, पिछली 22 अप्रैल से सर्वे प्रारंभ हुआ था और कल दिन भर जो कार्य चला है वो गर्भगृह में उत्तरी भाग में और दक्षिण भाग में। गर्भगृह में पत्थर का एक जो खंभों का एक अवशेष प्राप्त हुआ था
और उत्तरी भाग में से दो भाग प्राप्त हुए जो सर्वे टीम ने अपने संरक्षण में रखे हैं। आज चूंकि आप लोगों के माध्यम से पता पड़ा कि यह मशीन अंदर गई है, तो निश्चित ही सच सामने आएगा। जो अभी भी साक्ष्य जो गर्भ में छिपे हुए इस मशीन के द्वारा पता पड़ेंगे और साक्ष्य सामने आएंगे जो सत्य को साबित करेंगे कि यह मंदिर है। गोपाल शर्मा, संयोजक, गौशाला मुक्ति यज्ञ। Subscribe now to most exciting channel ever.